मेरा नंबर अभी आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का सबसे अच्छा कंप्यूटर रिपेयर सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज हमारे पास ये ASUS का लैपटॉप आया हुआ है जो कि प्रोसेसर इसका है i3 10th generation। अभी हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अभी मैंने इसको ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा स्लो स्टार्ट हो रहा है। अभी मैंने इसको ऑन कर दिया लेकिन इसकी विंडोज ऑन नहीं हो पाई, ना ही अभी उसमें प्रोसेस हो पाया है कि विंडोज ऑन होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया हो। अभी इसमें प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब इसमें प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं कि ये हमारा विंडोज कितनी देर में ओपन हो जाता है। तो अभी इसमें विंडोज ऑन होने का प्रोसेस स्टार्ट है, देखते हैं कितना टाइम लेता है ये ओपन होने में। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है। तो हमारे लैपटॉपों में ऐसा प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि हमारा अभी जो लैपटॉप है इनमें हार्ड डिस्क लगा होता है, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए हमें इस लैपटॉप में हार्ड डिस्क के साथ में SSD भी लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगा। तो SSD लगाने के बाद हमारा जो ये लैपटॉप इतना टाइम लेता है ओपन होने के लिए, फिर ये जल्दी से ओपन हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लेगा। अभी आप देख सकते हैं काफी टाइम हो गया है लेकिन इसका विंडोज अभी तक ओपन नहीं हो पाया है, अभी ये प्रोसेस में ही है। जाके इसका विंडोज का साउंड आया है बट इसका अभी भी हमें पासवर्ड ना मांग रहा है, ना ही हमारा अभी कुछ आगे हो पाया है। माउस का कर्सर हमारा आ गया है, ये दिख रहा है इधर, लेकिन अभी ये आगे। तो अभी हम इस पे ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसको बंद करते हैं और इस पे SSD लगा के विंडोज इंस्टॉल करके तब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको SSD लगाते हुए दिखा देता हूँ कि इसमें SSD कौन सी लगेगी और कितनी लगेगी। अभी देख सकते हैं कि विंडोज का आगे लोगो बड़ा हुआ है, लेकिन इसके सोल्यूशन तभी हो पाएगा जब इसमें हमारा SSD लगेगा। तो अभी हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, ये M.2 SSD लगाते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्पीड आती है। ये मैंने M.2 SSD इसमें इंस्टॉल कर दिया है। इसके साथ में एक स्क्रू भी लगा देते हैं ताकि हमारा ये SSD हिले ना। अभी मैंने इसमें ये SSD लगा दिया, ये फिक्स हो गई है। इसकी बैटरी यहाँ पर है, ये बैटरी का कनेक्टर होता है। जब भी हम कुछ करते हैं तो सबसे पहले हमें बैटरी हटाना होता है, तो मैं बैटरी का फिर से कनेक्ट कर देता हूँ। बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसमें विंडोज इंस्टॉल कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि SSD के साथ हमारा क्या स्पीड आता है। तो अब मैं इसमें विंडोज इंस्टॉल करूंगा। हमने इसमें SSD इंस्टॉल करके विंडोज इंस्टॉल कर दिया और उसके बाद अब देखते हैं कि ये विंडोज हमारे स्टार्ट होने में कितना टाइम लेता है। अभी मैंने इसे ऑन कर दिया लैपटॉप को और अभी आप देखें कि SSD लगाने के बाद हमारा जो लैपटॉप है वो HDD के कंपेयर में ना फास्ट स्टार्ट होता है। अभी हमारा ये विंडोज प्रोसेस में आ गया और आप देख सकते हैं कि विंडोज प्रोसेस में आते ही तुरंत ही इसने विंडोज को ओपन कर दिया। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि विंडोज हमारा ओपन हो गया। तो SSD के कंपेयर में हमारा जो HDD है वो बहुत ही ज्यादा स्लो चलता है। तो अगर आपका भी लैपटॉप स्लो चलता हो तो उसमें HDD के साथ SSD लगाएं और अपने लैपटॉप की स्पीड बढ़ाएं।